हेलो हेलो हेलो। हाँ, जैसा कि सबको मालूम है कि एक कार्यक्रम यहाँ सम्मान का होता है, तो हमारे बीच में आज हमारे श्रीमान इंस्पेक्टर साहब धौरारा और श्री अनिल कुमार पांडे जी SSI धौरारा मौजूद हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आने की कोशिश करें और उनका सम्मान हमारे संरक्षक महोदय श्री अग्रवाल जी तथा श्री कृष्ण तिवारी जी दोनों महान भावों से प्रार्थना है कि आप मंच पर आ जाएं और हमारे इन दोनों अधिकारियों का बैच लगा करके इस वक्त चिन्ह दे करके आप उनका सम्मान करें। आदरणीय श्री इंस्पेक्टर साहब धौरारा और श्री अनिल कुमार पांडे जी SSI धौरारा मंच पर आने की कृपा करें। शांति से बैठिए। हाँ, हमारे श्रीमान सोबरन लाल जी दरोगा जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। आदरणीय दरोगा जी, हाँ, हमसे गलती हो गई, हम पहचानते नहीं थे आपको, क्षमा चाहते हैं। अग्रवाल जी से अनुरोध है। इसमें चिन्ह लाए आप। सुशील कुमार पांडे जी अखिल ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वह भी मंच पर आने का कष्ट करें। आदरणीय सुशील कुमार जी, हम अग्रवाल जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे इंस्पेक्टर साहब का इसमें चिन्ह दे करके उनका स्वागत करें। अच्छा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं आप, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करें। हम अपने अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आ जाएं। आदरणीय शुक्ला जी, हाँ, सुशील कुमार पांडे जी के साथ में लेखपाल जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आने का कष्ट करें। आदरणीय लेखपाल जी, सरोज कुमार अवस्थी जी, आइए, आपका स्वागत वंदन है, अभिनंदन है। तब तक हम अपने अग्रवाल जी से कहेंगे कि हमारे जो श्री देवेंद्र पराशर जी व्यास जी जो हैं, उनका वो स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। आइए, मान्यवर, स्वागत है, वंदन है, तिलक लगाएं आप और बैच लगाएं आपका। हाँ, जल्दी जल्दी करते रहें। व्यास जी को दक्षिण तरफ। आप दोनों लोगों को हमारे अग्रवाल जी इसमें चिन्ह भेंट करेंगे, ब्राह्मण महासभा के जो अध्यक्ष जी हैं उनको और लेखपाल जी को।
एक और मंगवा लीजिए जल्दी से, व्यास जी को दे दीजिए इस बच्चे में। तालियों के स्वागत करें हम लोग, अब तो बैठे रहते हैं बिल्कुल। दो योगेंद्र जी दो तीन और मंगा लीजिए, इसी के साथ में दो और सम्मान हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम फिर जारी रहेगा। एक व्यास जी के लिए और दो और, जल्दी कीजिए। हम चाहेंगे कि दो शब्द हमारे इंस्पेक्टर महोदय जो है हम लोग को आशीर्वाद के रूप में देने की कष्ट करें, आदरणीय इंस्पेक्टर साहब। धन्यवाद प्रबंधक महोदय जी एवं हमारे धौरहरा क्षेत्र की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि इस पौराणिक स्थल पे आके जो मान सम्मान यहाँ का बढ़ा रहे हैं, बिना आपके ये सब अधूरा रहता। पिछले साल भी मैं था यहाँ पे आप लोगों के आशीर्वाद से और इस वर्ष भी मुझे मौका मिला यहाँ पे। बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि पिछले साल से लगभग दुगनी जनसंख्या हमारी इस पौराणिक स्थल पे आके और आशीर्वचन प्राप्त कर रही है। हमारे जो पुराण हैं, जो वेद हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको आगे ले जाने का काम हमारे भविष्य के लोग कर रहे हैं। मैं तहे दिल से पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक मंच में उपस्थित होकर सम्मानित किया। मैं बस यही कह सकता हूँ कि मेरे लायक जो भी सेवा होगी, जो भी कार्य होगा, मैं पूरे तन मन धन से आप सबकी सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार जयकारा आप लोग लगा दीजिए हमारे इंस्पेक्टर साहब के नाम से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधारानी सरकार की। आइए अवस्थी जी, आप भी आ जाइए। हाँ भैया रघुवंत जी, हमारे अवस्थी जी का सम्मान करें। आ जाए इसमें से। भैया जल्दी से ले आओ। हाँ दोनों लोगों। हाँ बाप लोग आइए। हाँ भैया मिश्रा जी, हमारे व्यास जी को पहले समर्पित कीजिए, फिर उसके बाद हम अपने श्री प्रेम जायसवाल जी और श्री प्रवीण दीक्षित जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। वो मंच पर आए, उनके मीडिया प्रबंधन के कारण यह कार्यक्रम जो है बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। वो आपका प्रयास रहा है, आपका प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है। हम जितनी बड़ाई आपकी करें उतनी कम है। हम आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस अथक प्रयास के लिए।
आइए देखिए जी। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये सम्मान जो है इसको भी आप पेपर में निकालेंगे, ये नहीं कि आपका सम्मान हुआ तो आप इसको गोपनीय रखें। आयुष मौर्य जी हैं, वो भी मंच पर आ जाएं, उनका भी सम्मान समिति की तरफ से हो जाए और हम अपने अवस्थी जी से कहेंगे कि कम शब्दों में आशीष वचन देने का कष्ट करें। आदरणीय अवस्थी जी, गंगा के समान पवित्र रामवती जो महात्मा तुलसीदास जी की कार्यस्थली रही है उसको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई श्री भगवती प्रसाद शुक्ला जी तथा उनके समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे धौरारा रामवती स्थल के ऊपर जो आज भीड़ इकट्ठा हुई है ये आप सबके मेहनत से हुई है, इसके लिए जितने धन्यवाद दिए जाए उतने कम हैं। मैं उपस्थित सभी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवानों सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दो शब्द नारी शक्ति के लिए, प्यारे भाइयों नारी शक्ति का अवतार है, अद्भुत गुणों का भंडार है। संतान के लिए शिक्षा दायिनी है, वीरों का कारखाना है। प्यारे भाइयों राम को राम बनाने का काम सीता ने किया, जगत की भलाई के लिए लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर अपने आप को बाजी पे लगा दिया। मैं आप लोगों की उपस्थिति को देख करके गदगद हूं। हमारी संस्कृति जिसको महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करके और उसका सरलीकरण करके हमारी संस्कृत को जो बचाने का काम किया है उसके लिए ये धौरहरा कस्बा जहां बाल कांड लिखा गया है ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं धौरहरा जाना जाता है, ये पूरे देश में जाना जाता है। केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाल कांड की रचना महात्मा तुलसीदास जी ने की थी। प्यारे भाइयों दीन सबन को लखत है, दीनन लखै न कोय, जो रहीम दीनन लखै दीन बंध सम होए। मैंने ये देखा है कि हम सब लोग तो सबका आदर करते हैं लेकिन हम लोगों की ओर कोई नहीं देखता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्यारे भाइयों बहुत दिनों तक जनता को बकाया नहीं जा सकता,
उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। आज हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, जाके पांव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई, वो केवल गरीबों के लिए ही काम करते हैं, वो केवल गरीबों के लिए काम करते हैं।